अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शाहिन, हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आखिर क्या है जेलर की कहानी? क्या होता है इंडियन जेल्स में? कैसे बड़े नेता और क्रिमिनल्स रहते हैं जेलों में? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। रजनीकांत अपनी फिल्म के साथ तैयार हैं। फिल्म को लेकर काफी बज बहुत पहले से ही है, पर दोस्तों साथ ही में बज है इसकी स्टार कास्ट को लेकर। जी हाँ, ना सिर्फ मेगा स्टार रजनीकांत इस फिल्म की सुपर स्टार कास्ट में शामिल है बल्कि ऐश्वर्या राय, राम्या कृष्णन और तमन्ना भाटिया जैसे दमदार एक्ट्रेसेस भी इस फिल्म का हिस्सा बनी है और हाल ही में बज है इस फिल्म की कहानी को लेकर। हालांकि दोस्तों मेकर्स इस फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट्स नहीं रिवील करना चाहते, पर उड़ती उड़ती खबरों से पता चला है कि फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है। जेल में एक बहुत ही पावरफुल गैंग लीडर को रखा गया है। जेलर यानी कि रजनीकांत के रहते उस जेल में कोई भी कदम नहीं रख सकता। रजनीकांत उस गैंग लीडर और गैंग से कैसे मुकाबला करेंगे, इस पर ही इस फिल्म की कहानी बेस्ड होगी। पर आपको बता दें कि फिल्म में चार सुपर सुंदरियों की एंट्री ने इस स्टोरी लाइन की स्पेकुलेशन को कर दिया है चैलेंज और दोस्तों फैंस भी कंफ्यूजन में है कि आखिर क्या कहानी होने वाली है इस फिल्म की। आपको बता दें कि इस बार इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से होगी। फिल्म में जेलर के तौर पर रजनीकांत जेल के इरेगुलर सिस्टम में करेंगे सुधार। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स की फाइव स्टार सर्विस को करेंगे जेल में बंद। इस बीच जेल में एंट्री होगी एक लड़की की, जिसकी गवाही एक क्रिमिनल के लिए है खतरे की बात, जिसके लिए जेल में उसे खत्म करने के लिए भेजे जाएंगे गुंडे। पर जेलर रजनीकांत उस लड़की को खतरे से बचा लेंगे और उस लड़की को दिलाएंगे न्याय। इस फिल्म के द्वारा आम जनता को जेल के सिस्टम और जुडिशरी के लूप होल्स और उसके द्वारा हो रहे अन्याय को भी दिखाया जाएगा। कैसे होता है जेल सिस्टम और कैसे लोग रहते हैं जेल्स में, ये सब भी इस फिल्म में दिखाया जाने वाला है। अब क्या आप जानते हैं कि लोग कैसे रहते हैं जेल्स में और क्यों जेल के नाम से अच्छे लोग भी कांप जाते हैं? तो चलिए आपको हम बताते हैं इंडियन जेल्स और उनके सिस्टम के बारे में। अब दोस्तों बात की जाए सेल्स यानी कि रूम की, तो ना तो इन जेल्स की रूम्स में होता है कोई फैन और ना ही एसी और ना ही कोई अटैच बाथरूम। एक ही सेल में 3 से 4 कैदियों को रखा जाता है और उसी में आपको सोना, बैठना और बाथरूम भी जाना होता है और वो भी ओपन में, सबकी मौजूदगी में। इसके अलावा जेल में अब्यूजिव बिहेवियर और मोलेस्टेशन आम बात होती है। जेल में अधिकतर क्रिमिनल्स ही होते हैं, इसलिए लड़ाइयां होना भी बहुत आम बात है जेल के कैदियों के बीच। ताकतवर अपनी ताकत दिखाते हैं और कमजोर कैदियों को बुली करते हैं। मारना पीटना तो बहुत ही आम बात है। साथ ही दोस्तों पर्सनल हाइजीन और बाथरूम जैसी सर्विसेज भी इंडियन जेल्स में बहुत ही खराब होती हैं, क्योंकि ऐसी कोई फैसिलिटी सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड ही नहीं की जाती। और खाने की बात तो सोच भी नहीं सकते किस तरह का खाना कैदियों को जेल्स में मिलता है। पर ये सभी चीजें पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े क्रिमिनल्स पर लागू नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कई बार किसी पॉलिटिशियन और जेल में उनकी फैसिलिटीज की कहानियां सुनी ही होंगी आपने, कि कैसे उनके लिए खास तौर पर कुक रखा जाता है जो कि उनके पसंद का खाना बनाकर उनकी फरमाइशें पूरी करता है। साथ ही उनके सेल में एसी भी लगा होता है। पर आपको बता दें कि कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है इंडियन जेल सिस्टम की, जहां के कैदी पैसों के इशारों पर जेलर्स और जेल्स के ऑफिसर्स को नचाते हैं। कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि जेल्स में इनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए मसाज भी अपॉइंट किए गए हैं, अलग से किचन, 5 रूम वाली स्पेशियस सेल, एसी रूम और जेल के ऑफिसर से तवज्जो और सलामी। ऐसी खातिरदारी आपने कभी 5 स्टार्स होटल में भी नहीं देखी होगी। और तो दोस्तों ये सब होता है जेलर्स की हाजिरी और मंजूरी में, जहां लोग सुधरने की जगह कानून का मजाक बनाते हैं। अब क्या रजनीकांत भी जेलर में दिखेंगे इस तरह के करप्ट और नेगेटिव रोल में, या फिर सुधारेंगे वो इस जेल के सिस्टम को? अब ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर हैं जया भारद्वाज।